ये जो खाने पीने के मामलात हैं, तो इसमें जो है वो हमारी क्या इंटेंशन होनी चाहिए, बेसिक इंटेंशन नबी कैसे हमें सुन्नत को सामने रखते हुए कि हमारे जो है यानी यहाँ के जैसे इन मुल्कों में हम रह रहे हैं तो हमारी खुराकें वैसी खालिस नहीं है, तो क्या हम खालिस खुराक को तवज्जो देते हुए उसको अपनी जिंदगी में अपनाएं, या जो भी हमें अवेलेबल खुराक है हम उसी को ही देखते हुए उसकी क्वांटिटी को कम करके और एहतियात से इसके साथ खाएं, तो इसकी थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, जजाकल्लाह खैर, आपको जरूर इसका जवाब देते हैं। अच्छा सवाल है, रेलिवेंट सवाल है। तो हजरत इनका सवाल जो है गिज़ा से मुतालिक है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल और जेनेटिकली मॉडिफाइड गिज़ाएं बनाने लगे हैं, तो DNA उससे चेंजेस वगैरह करके, तो उससे इंसान की वो आज़ा में कुव्वत नहीं रहती जो कि एक असली गिज़ा से होती है, तो हम उससे किस तरह डील करें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और बर्वक्त किया है जी। और सबसे पहले आपकी जो रिगार्ड देने और एजाज़ देने का शुक्रिया, और हम भी जो है खैर मुबारकबाद कहते हैं। ज़ाहिर ये प्रोग्राम हमने सोच सोच के आप ही लोगों के लिए शुरू किया और रूह की बातें, और हमने सोचा कि रमज़ान की मुबारक सातों में इसको स्टार्ट करें और ताकि हमें रमज़ान की बरकतें मिलें और ये आगे सिलसिला जारी सारी रहे, और ख़ास तौर रमज़ान के अंदर तो रूही पर सारी मेहनत इंसान करता है, तो इसलिए जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह इसको अच्छे तरीके से आगे लेके चलने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे अच्छे मजामीन आप तक पहुँचे। और बाकी आपने सवाल बहुत दिलचस्प किया है, उसका ये कि एक तरीका तो यह है कि ज़ाहिर है कि बात सही है कि हमें ज़्यादा ज़्यादा आर्टिफिशियल खुराकों से बचना चाहिए, ज़ाहिर है ना, तो उससे वो कुव्वत हासिल होती है बल्कि हो सकता है कि बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हों जो कि नुकसानदेह हो बॉडी के लिए। इसलिए आज ही की दुनिया में जो ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ जो कहा जाता है ये ऑर्गेनिक हैं, ये हेल्दी हैं, तो वो उसी कायदे को इस्तेमाल करें, क्योंकि बिल्कुल खालिस खुराकें वो कहाँ मिलेंगी। आजकल तो दूध भी, हमारे उस्ताद कहा करते थे दूध भी भैंस जो आपको देती है डायरेक्ट वो भी खालिस नहीं है। तो हमने कहा जी क्यों खालिस नहीं है, कहते इसलिए कि वो जो खुराक खाती है वो ना खालिस खाती है जी, वो ना खालिस खुराक खाती है, यानी वो दुनिया यूरिया खाद की खुराक तो वो खाती है, तो वो दूध जो देगी वो भी ना खालिस होगा भले थनों से उसके निकल रहा है जी। पानी मबले ना मिलाया हो, तो सूरतयाल तो अब यहाँ तक पहुँच चुकी है। इसलिए इतना करें कि ये आप जो है हेल्दी खुराक के खाने की कोशिश करें जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, तलज़्ज़ुज़ की तवज्जो ना करें, ग़िज़ाइयत ज़्यादा उसकी कोशिश करें, और या ये कि इसी तरीके से ऑर्गेनिक जो ग़िज़ाएँ हैं ऑर्गेनिक यानी लेने की कोशिश करें, जो आज की दुनिया में उसको ऑर्गेनिक कहा जाता है, इससे काफ़ी हद तक आप कवर कर लेंगे और खाली खुराक का जो है नफ़ा आपको पहुँचेगा और आप सेहतमंद रहेंगे, और आर्टिफिशियल जो चीज़ें ऐड कर रही जिसमें केमिकल्स होंगे उसके रिएक्शन से आपकी सेहत बची रहेगी। अच्छा,